किसको बताऊं, यहां कोई है ही नहीं। क्या हुआ सुरैया? कुछ नहीं। कुछ परेशान लग रही हो? नहीं। दरअसल भाली पप्पू, कुछ कहना है आपसे। मुझे आपकी मदद चाहिए है, बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? मुझसे गलती हो गई है। क्या? अब कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना सुरैया, मेरा दिल रुक जाएगा। कैसा? यही कि तुम किसी लड़के के साथ, मेरा मतलब है आजकल जमाना बहुत खराब है ना भाईजान, अब्बा जी, दाऊद, कुछ ऐसा वैसा मत कर देना, तूफान आ जाएगा। क्या वाली पप्पू, आप भी पता नहीं कौन सी ट्रेन पकड़ के चढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं है, तो बस परेशान हो रही थी कि इम्तिहानों की तैयारियां वैसी नहीं हो पा रही जैसे मैं चाह रही थी। अभी जो प्रीलिम्स हुए थे उसमें भी दो सब्जेक्ट्स में फेल हो गई थी, यही बताना था। तो ध्यान से पढ़ो ना, तुम भी तो किताबें खोलकर इधर उधर की बातें सोचती रहती हो। कोशिश कर रही हूँ। नहीं नहीं बहुत वजनी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो रजिया। रईस फातिमा, अब ये तुम्हारी भी माँ है। तो इतना प्यारा नाम है इनका रजिया, क्या प्रॉब्लम है? लो इसकी सुन लो। और दाऊद तुम्हें क्या हो गया, एक ही दिन में बीवी की बातों में आ गए? इस खुलिए में उसको बाहर लेकर चले गए, कैसे शोहर हो तुम? हेलो, ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं बरसों पुरानी सोच, अब दिन में तो नहीं बदल सकता है। और मैं उसको शोहर हूं, कोई जादूगर नहीं। मुझे तुमसे इतनी बुजदिली की उम्मीद नहीं थी दाऊद, कैसे मर दो बेटा? अम्मी अब जैसा भी हूं ना, आप ही का बेटा हूं। अगर आपकी तरबियत और मेरे रवैये ने उसको मुतासर किया तो वो खुद बदल लेगी, मेरे रोब या गुस्से से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से। ठीक है बे, तुम जानो और तुम्हारी बीवी जाने, लेकिन कल फिरदौस के वो ऐसे ना जाए, बता देना, मुझे भी बता देना। अच्छा बता दे। चलो जाओ।